इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। कार्यालय के गेट पर ही फरियादियों की कोरोना जांच की जा रही है। जांच और हाथों से सैनिटाइज होने के बाद ही परिसर में मिल रहा है प्रवेश। आने वाले फरियादियों को किया जा रहा है जागरूक। एसपी ऑफिस पर पहुंच रहे फरियादियों की हो रही है थर्मल जांच। कोरोना वायरस को लेकर सरकारी कार्यालय भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अब किसी भी फरियादी के जाने से पहले उसकी थर्मल जांच और हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिकायत को लेकर जाने वाले फरियादियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सुबह कार्यालय पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी थर्मल जांच कराई और हाथों को सैनिटाइज किया। उन्होंने कहा कि शनिवार से आने वाले समस्त फरियादियों को पहले गेट पर थर्मल जांच और सैनिटाइज करने के बाद ही परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इससे फरियादियों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ ऑफिस में आने के दो गेट हैं। हमने एक गेट एग्जिट के लिए रखा है, एक एंट्री के लिए रखा है। जो भी एंट्री पॉइंट्स पे लोग आ रहे हैं उनको बकायदे थर्मो स्कैनिंग कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर देख रहे हैं और दूसरा उनके हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही वो एंटर कर रहे हैं, फिर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। ये है एक तरह का कोरोना वायरस से बचने के तरीके जो हम मैसेज भी पब्लिक में देना चाहते हैं और खुद भी अपने ऑफिस में करवा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।